कहते मिलते कब हो फिर उनसे? तीन तीन से कहते मैनेज करो, टाइम कैसे निकालते? एक साथ नहीं, एक साथ नहीं होता ऐसा तो नहीं, गली गली में कहीं पे भी नहीं, नहीं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो दोस्तों भाई, मैंने तीन लड़कियों के साथ है ना प्रैंक वीडियो शूट किया था, तो मैं इनसे जानना चाहता हूँ इनकी लाइफ के बारे में और कुछ सीक्रेट बातें लड़कियों की और लड़कों की। देखते हैं कितना झूठ बोलती कितना सच बोलती हैं। अच्छा ये बताओ, प्यार जरूरी है पैसा? पैसा बात तो सही है डन दोनों प्यार ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और पैसा थोड़ा चलेगा, कम भी रहेगा तो प्यार जरूरी है। पैसा ना हो तो? ना हो तो कमा लेंगे, पर प्यार नहीं कमा सकते, प्यार खरीद नहीं सकते, आपको कमाना पड़ता है। पैसा तो कमा सकते, पर मैंने सुना है जब पैसा आता हमारे पास प्यार भी आ जाता है। कौन सा प्यार ढूंढ रहे हो आपको पता होगा, मुझे वो रियल वाला प्यार ऐसा प्यार तो इस लाइक हम लोग बचपन से मॉम डैड प्यार करते हैं, भाई बहन प्यार करते हैं, प्यार इज एवरीवेयर। हमें हाँ प्यार तो मिल ही रहा है, पैसा बहुत जरूरी है। आप कौन से प्यार की तलाश कर रहे हो? मैं कौन से प्यार, ये कैसे बॉयफ्रेंड है? आई थिंक नहीं, अब बॉयफ्रेंड है। मॉम डैड का प्यार तो मिला ही हुआ है ऑलरेडी, उसमें तो कोई मतलब पूछने वाली बात ही नहीं है। पर हाँ, एक सपोर्ट चाहिए होता है लाइफ में, इमोशनल सपोर्ट। अब तो मॉम डैड बॉयफ्रेंड चाहिए ना यार, डैड बोल दो ना, समझो ना, मॉम डैड तो है ही, अब उनसे नया प्यार थोड़े मॉम डैड लेके आएंगे। लेकिन अच्छा नया प्यार बॉयफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए, पसंद है, ये पसंद है। मैं सिंगल हूँ मैडम, अगर कोशिश करो तो। सच में सिंगल हो ना? ये देखो शादी हो रखी मेरी, शादी हो, शादी हो गई, ऐसा ही सिंगल हो? ये कैसे सिंगल होता है? ये छुपा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाह रहे हैं इनसे? नहीं नहीं नहीं। तो फिर मेरी शादी हो रखी, तीन गर्लफ्रेंड भी मेरी मुंबई में। अच्छा, शादी भी हो रखी, तीन गर्लफ्रेंड भी है मुंबई में, पर किसी को नहीं पता एक दूसरे के बारे में। कैसे मैनेज करते हैं? कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये अभी इंटरव्यू हम आपसे लेते हैं, कैसे मैनेज करते हैं आप तीन तीन गर्लफ्रेंड को? जरूरत ही नहीं पड़ती मैनेज करने की, तो ऐसे मैनेज हो जाते खुद ही खुद। नहीं हमें भी सिखाओ जरा, आपको भी करना है। तीन चाचा बॉयफ्रेंड चलाएं, एक नहीं चल पा रहा हमसे तो बहुत मुश्किल होता है लड़के मैनेज करना, पता नहीं कैसे कर लेते। ये भी कला है, टैलेंट है, आर्ट, टैलेंट हमारे पास नहीं है भाई, ये टैलेंट। कभी कभी हम खुद डाउट करते हैं कि कैसे कैसे मिलते कब हो फिर उनसे? तीन तीन से कैसे मैनेज करते, टाइम कैसे निकालते एक साथ? नहीं एक साथ नहीं होता गाइस। तो फिर कैसे मिलते? हाँ मतलब देख, डेली ना डेली का शेड्यूल बनाना पड़ता है हमें। अच्छा, शेड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा तो प्रैंक वीडियोस, ये जो क्रिएटिविटी, इसका टाइम कब है? तीन गर्लफ्रेंड बीबी, मतलब इसके साथ बच्चा? अच्छा तीनों के साथ एक नहीं, नहीं बच्चा? एक वाइफ के साथ बच्चा है, एक बच्चा है। नहीं ऐसा तो नहीं गली गली में कहीं पे भी? नहीं वसंत का पापा हो सकता है, शक्ल में देखो। अभी ना मैं एक शादी की तैयारी कर रहा हूँ, एक शादी और होने वाली मेरी। दो शादी बताओ। अरे मैं अपनी वाइफ से दोबारा शादी कर रहा हूँ। नहीं हो सकती? बिल्कुल बुलाएंगे, आप आओ ना, हम आएंगे ना, पक्का आएंगे। कहाँ शादी, कहाँ से? हरियाणा। हम हरियाणा आ जाएंगे, उसमें क्या है? पानीपत गई हूँ मैं, स्ट्रीट आप भेज देना, पानीपत गई हूँ मैं। अच्छा ये बताओ, आपने कितने लड़कों को धोखा दिया है? मैंने किसी को? सच बोलना यार प्लीज। धोखा क्यों दूंगी यार, लड़कों ने उसको धोखा दिया? नहीं अच्छा इसका जवाब बता, कितने लड़कों ने धोखा दिया? ये तो बोल सकते हैं? नहीं 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 बोल दो। अच्छा ये भी नहीं बताओगे? नहीं चल मत बताओ, कोई बात नहीं, लड़कों ने धोखा दिया है, कई होंगे ना। तो गाइस किसी ने धोखा नहीं दिया है, होते ही बुरे, बुरे होते ही धोखेबाज, धोखेबाज। देखो पता, लड़कियां भी धोखेबाज होती है, लड़के भी, बट वो होते नहीं, बनाए जाते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला, कैसे मतलब वो बन जाते हैं कैसे? देखो लड़कियों का ब्रेकअप कब होता है? नहीं नहीं लड़की का, सुनो मेरे जैसे नहीं, लड़की का ब्रेकअप तब होता है जब उसका यूज हो जाता है, यूज होने के बाद ही ब्रेकअप करते हैं लड़के भी। तो भाई यूज ही होने क्यों देते हैं? इनको इतना अच्छे से पता है सब बातें ना, गलती किसकी है? आपकी। लड़कियां ना रियल प्यार ढूंढने के चक्कर में ऐसे हो जाते हैं। बच्चा वो हर किसी पर ट्रस्ट करती हैं। इतनी नहीं नहीं मेरे पास बहुत अकल है। अच्छा मैं घास भी नहीं डालती हूँ लड़कों को। घास तो कोई नहीं डालती है। वी आर हैप्पी सिंगल वेरी मच। तो गाइस तीनों सिंगल हम दोनों तो है, इसकी पता नहीं, सिंगल है तो
मुझे भी नहीं पता कितनी बार ब्रेकअप हुआ आपका? ब्रेकअप मेरा 3 बार हुआ है। तीनों अलग अलग लड़कों के साथ या एक के साथ? एक से तो 50 बार हो जाता है। अलग अलग होगा तो फिर एक साथ, एक के साथ कैसे 3 बार? अच्छा, तीनों से आपको प्यार था या फिर अट्रैक्शन थी? तीनों से प्यार था। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। लोग तो बोलते प्यार एक बार होता है, एक ही से होता है। नहीं, ये तो ये अच्छा, प्यार होता रहता है और क्या, जिंदगी इतनी लंबी है, प्यार एक बार क्यों होगा? हाय हाय, इतना सुकून होता रहना चाहिए। प्यार में बहुत कंफ्यूज हूं इस मैटर में, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे नहीं पता। नहीं, ब्रेकअप हो गया मतलब प्यार नहीं था। कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि जिसको आप, आपको अट्रैक्शन हो सकता है, प्यार नहीं होगा। आई थिंक सो। अच्छा, आपका कितनी बार ब्रेकअप हुआ? नहीं होता। आपका कितनी बार? दो बार। एक ही लड़के से या दो लड़के से? दो छुपा के ही बता रहे हैं। चार लड़कों से पहले दो बार बता रही हूं आपको, दो छुपा के। चार लड़कों से दो बार? ओके, मतलब दो कम कर और ऐड कर लो। क्या? दो और ऐड कर लो। नहीं नहीं नहीं, जैसे आपने बोला दो बार, फिर अच्छा चलो 6 हो गए। मेरे बोला आपने, आपके पक्का 6 हो गए। तो फिर ब्रेकअप ही मतलब? अच्छा, एक कोई बात नहीं, ब्रेकअप हो गया होगा किसी वजह से। अच्छा ये बताओ हमारी ऑडियंस को कि ब्रेकअप ना हो ऐसा क्या करें लड़कियां या फिर लड़के क्या करें? भाई रिलेशनशिप में मत जाओ, सिंगल रहो। वी आर रियली हैप्पी बीइंग सिंगल, सो बी सिंगल, बस खुश रहो, सिंगल रहो, तुम्हें सिंगल काम करो, सक्सेसफुल हो, टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, बचोगे, रोगे नहीं किसी के लिए, किसी के लिए नो सप्पा, एक्चुअली नो सप्पा, क्यों आंसू बहाने किसी के लिए? बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ आप मतलब जो शादी आपकी अपने बॉयफ्रेंड से करोगे अपने हस्बैंड से, मतलब कोई और लड़की है ही नहीं ना हम दोनों? अरे मतलब एक तो मम्मी पापा जो ढूंढे या अपनी मर्जी से ढूंढ के करेंगे? पता नहीं, मैं मैरिज में बिलीव करती हूँ, कैसे भी हो जाए हो जाए और क्या। अभी तक मैंने वो भी नहीं सोचा। कब सोचोगे? जस्ट अ बेबी। नहीं 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 यार। अच्छा ये बताओ शादी होने के बाद अपने बॉयफ्रेंड से मिलोगे नहीं मिलोगे, जो तुम लोगों का सच्चा प्यार है? नहीं मिलूंगी, सच्चा प्यार है ही नहीं। प्यार था ही ना, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहती मैं। हां मैं तो अपने एक्स की शक्ल देखना नहीं चाहती सीरियसली। नहीं कई बार होता ना कि भाई लड़कियाँ बोल देती है, फिर लड़के बोल देते कोई बात नहीं डार्लिंग शादी नहीं कर सकता, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे, बट हाँ शादी के बाद आपसे जरूर मिलूंगा, ऐसा नहीं कि मैं तेरे को छोड़ दूंगा। है तो पापा नहीं माने, हिपोक्रेट होते हैं ऐसे लड़के। उन्हें हिपोक्रेट बोलते हैं कि पहले तो पता नहीं होता कुछ, बस आ जाएंगे रिलेशन में, फिर बाद में मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। नहीं नहीं, उनको पता सब होता है कि मेरी शादी होगी नहीं होगी, पता सब होता है लड़के, लड़के को भी पता होता है। एग्जैक्टली ना, मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे हुआ है, तो नहीं 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 ऐसे होता है, सिंगल इज बेटर। नहीं लड़कियों को भी पता होता है कि मेरी उससे शादी होगी, लड़कियों को ये भी पता है कि मेरे घर वाले मानेंगे नहीं मानेंगे। लड़कियों को पता है कि वो बातें मना लेंगी देख लेंगी, पर लड़के क्या रहते हैं, उनको पता होता है कि नहीं मानेंगे फिर भी कहेंगे नहीं नहीं चल लड़की तो मिल रही है ना। अरे वो प्लान लेके जाते हैं ना वो पहले, मतलब अपना पूरा। हाँ नहीं नहीं, मैंने आजकल ये देखा है, ट्रेंड चल रहा है लड़कों का, दे आर इन रिलेशनशिप एंड देन शादी अपने माँ बाप की मर्जी से करते हैं। मैंने ये देखा है, आई हैव सीन विद लॉट ऑफ करते हैं आजकल, लॉट ऑफ फ्रेंड्स हैज डन लाइक दिस। फिर अब क्या किया जाए ऐसे लड़कों का, या फिर उनसे बचना चाहिए या फिर जाल में? ऑब्वियसली बचना चाहिए, लड़कियां सोच समझ के। मेरा ओपिनियन एटलीस्ट अलग है, बचने की और भागने की जरूरत नहीं है। जब भी आप रिलेशनशिप में आते हो यू नो योर टाइप, करेक्ट, तो आप वैसे लड़की लड़कों के ही पास जाओ, कितना कितना टाइप आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह उसकी विचारधारा है, आप जा ही रहे हो अलग डायरेक्शन में, बाद में बोलोगे ये तो है नहीं 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 ये तो प्लेबॉय निकला, तो आप क्यों जा रहे हो उसके पास? नहीं प्लेबॉय की बात नहीं है, प्लेबॉय हो नहीं, वो बहुत अच्छा तुम्हारा संस्कारी होगा, उसके बाद भी आपका कटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, मैंने जो देखा है कि लड़के लोग रिलेशनशिप में आते हैं एंड देन मॉम डैड के प्रेशर से किसी और जगह शादी कर लेते हैं, बट मुझे मेरा ये कहना है लड़कियों को स्पेशली बिकॉज आई एम अ गर्ल, कि देखो पहले पहले ऑब्जर्व हिम, नो हिम प्रॉपरली, देन कमिट। मैंने एक चीज और देखी ना, जैसे मान लो आप और मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, वैसे एग्जांपल अगर क्वेश्चन एक हल्का सा, मेरी शादी हो जाती है या फिर आपकी शादी हो जाती है, आप क्या करोगे? मोबाइल नंबर भी बदल लोगे, मोबाइल भी बदल लोगे, बट लड़के क्या होते हैं शादी होने के बाद, लड़की के मोबाइल भी सेम रखेंगे, नंबर भी सेम रखेंगे, वो वेट करेंगे कि वो गर्लफ्रेंड कॉल करेगी। बट क्यों लड़कियां क्यों मोबाइल चेंज करती हैं, जिनको अपनी एक्स का नंबर भी याद रहता है, नई वाली का याद नहीं, और लड़की मोबाइल नंबर मोबाइल भी बदल लेती है। अच्छा सुन, देखा मैंने, और लड़कियां क्या करती शादी से पहले सगाई वाले दिन, या मोबाइल भी बदलेंगी नंबर भी बदलेंगी सभी कुछ तो बदल लेती हैं, ऐसा क्यों?
पता नहीं, देखा आप लोगों ने ऐसा देखा? देखा नहीं मैंने, जनरली मुझे नहीं पता। सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार होती है, लड़कों को रिस्क पे चलने की आदत है। लड़कों को, लड़कियों को लगता है नई लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं तो नई लाइफ नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, क्यों पुराने से आप पे लाने लाइफ? तो भाई लड़कों समझदार हो जाओ यार, आप भी ना मतलब ये वो बन के मत रहा करो, मतलब लड़के समझदार हो जाओ। अरे पर, अरे मतलब लड़कियां भी समझदार हो जाओ, ये नहीं कि दीवाने बन के ही रहो अपना लाइफ को, अपनी लाइफ को अगर कुछ हो गया लाइफ में, मिस हैपनिंग या फिर कुछ दुर्घटना घट गई, इस तरह की ब्रेकअप वगैरह ये सब, तो वो डिप्रेशन में, तो वो डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, डिप्रेशन में जाने की जरूरत, अपनी लाइफ को दोबारा से रीस्टार्ट करो। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप ही सब कुछ नहीं होता, नहीं होता। अपने काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो, करियर बनाओ। और अच्छा आप लोगों को पता, करियर बनाओ पहले, करियर फिर प्यार। यस, इसका मतलब फोकस आउट तुम लोगों का भी हुआ था, अभी करियर पे जाना है या अभी फोकस आउट है? नहीं, कभी नहीं हुआ फोकस आउट, हमेशा करियर फर्स्ट था, हमेशा रहेगा। देखिए करियर के बारे में हमें प्रॉपर डिटेल से सोचना चाहिए, हमें जाना किस फील्ड में, तो फिर ये सब बीच में आएंगी नहीं भला। एग्जैक्टली, डाइवर्ट नहीं हो पाओ क्योंकि आपको पता कि मेरा गोल बड़ा। एग्जैक्टली राइट, या फिर पैरेलल भी चीजें चल सकती है। चल देखो चलाने वाला तो कुछ भी चला सकते हैं, जो भी वो डिपेंड करता है दोनों पर्सन पे जिससे आप मिलते हो और आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ऐसा इंसान मिलना चाहिए, पार्टनर इज सपोर्टिव, मिलता नहीं है ऐसा इंसान। अच्छा एक मेरे को तीनों से सेम क्वेश्चन है, ये मान लो दो लड़के हैं ठीक है, एक के पास पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है, पैसा है, और दोनों मतलब बहुत प्यार करते हैं, दोनों बहुत केयरिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्मार्ट है, मतलब बहुत ही लवली है, ये मतलब पैसे वाले के पास जाएंगे आप? पैसे दोनों ही प्यार करते हैं और अगर पैसे भी हैं तो फिर किसको बुरा लगता है? एक सेकंड, मेरा है कि मुझे पैसे लव उससे भी ज्यादा है, उसका बैकग्राउंड, उसके एजुकेशन, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, सब बट पैसे का फर्क है दोनों में। दो लड़के आप किसके? नहीं मैं वो, मैं कंफ्यूज, मैं अगर वो डम हेड निकला तो मैं डम कोई नहीं, पैसा भी हो दिखने में अच्छा कुछ भी हो चलेगा। अरे मैं क्या कह रहा हूं, सब कुछ सेम है बट पैसे का फर्क है, के पास पैसा नहीं के पास पैसा, बस ये फर्क है, आप किसके पास जाओगे? पैसे वाले के पास, पैसा वाला चाहिए और क्या, पता नहीं वो पैसा वाला अगर डम हेड निकला तो। अरे मैं कह रहा हूँ सेम है, सेम है दोनों, ऑब्वियसली थे फिर पैसे वाले के पास। तो भाई कब समझदार होगे, कब अक्ल आएगी तुम लोगों को? चालू करो यार, लड़कों क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो, कहाँ भटके हुए यार, फोकस आउट मत करो लाइफ का, पहले अपना करियर देखो। लड़की का जुगाड़ तो तुम्हारे घर वाले भी कर देंगे यार, BMW, ऑडी, फॉर्च्यूनर, बंगलों का जुगाड़ करो यार, समझ रहे हो, पहले इस चीज का जुगाड़ करो। मतलब शादी वादी तो घर वाले भी करा देंगे यार, अच्छी सी लड़की ढूंढ के, और खुश रहो, टेंशन मत लो यार, जिंदगी एक सुहाना सफर है, एंजॉय करो लाइफ को, तुम्हें भटकना मत। हाँ भाई लड़के भी अपने करियर को लेकर डेडिकेटेड, अच्छा लड़का ढूंढना, पैसे वाला वो इम्पोर्टेंट है, BMW में रोना। अरे रोना क्यों, एंजॉय करना, रोगे तो बाद में BMW में रोना, क्यों रोना है ऐसे ही? बिल्कुल, बड़ा सोचो, बड़ा बड़ा सोचो। चलो गाइस बाय, थैंक यू सो मच।